वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी प्लाबिता। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देख रहे हैं आप लोग, आज जो मेरी क्लाइंट है उनकी हेयर लॉन्ग है और मैं आज आप लोग को दिखाऊंगी कि लॉन्ग हेयर पे किस तरह से आप लोग एक फ्लावर कटिंग कर सकते हैं, एक फ्लावर कटिंग का लुक उनकी हेयर पर ला सकते हैं। तो वो अपने हेयर को ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना चाहते हैं और उसी हिसाब से मैं हेयर को कट करूँगी। और ये कुछ एक कोई ऐसी बात नहीं है कि आप लोग अगर हेयर कटिंग करते समय आपकी क्लाइंट की हेयर को शॉर्ट ही करना करके ही हम अच्छा लुक दे सकते हैं, लॉन्ग में भी अच्छा एक हेयर कटिंग का लुक दे सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने ना फर्स्ट गाइडलाइन सेट करने के लिए उनकी जो क्राउन एरिया की हेयर है वहाँ पे एक लेंथ पर 180 डिग्री पे कट कर लिया है। मैंने ज़्यादा कट नहीं किया है क्योंकि वो ना अपनी हेयर की लेंथ कम नहीं करना चाहती थी। और ये देखिए, मैंने दो बार रीचेक किया है क्योंकि ना उनकी हेयर लॉन्ग है तो ऊपर जाते हुए कभी गलतियाँ हो सकती हैं। तो मैंने फिर एक बार हेयर को चेक कर लिया है और अभी मैं क्या करूँगी, इस हेयर को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करके गाइडलाइन सेट कर लूँगी। 2 पार्ट्स आगे ले जाऊँगी और 1 पार्ट पीछे रखूँगी और उसी गाइडलाइन के हिसाब से मैं हेयर को क्या करूँगी, कट करते जाऊँगी और जो आगे की हेयर है उसको मैं ना क्लिप करके छोड़ दूँगी। और ये देखिए, अभी मैं जो मैंने गाइडलाइन सेट किया था उसी गाइडलाइन को लेते हुए और एक हॉर्स शू शेप पे मैं ना उनकी पीछे की और एक सेक्शन लूँगी और उस सेक्शन पे फिर मैं उसी गाइडलाइन पे जो मैंने हेयर कट करते समय जो फर्स्ट गाइडलाइन बनाया था उस पे मैं हेयर को ऊपर ले जाके 180 डिग्री पे कटिंग कर दूँगी क्योंकि उनकी हेयर बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और वो लेंथ कम नहीं करना चाहती। तो ना हेयर कटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ गया था, जो बाल हेयर को आगे ले जाते हुए मुझे ना प्रॉब्लम हो रही थी। और ये देखिए, इसी तरह से फिर मैंने और एक सेक्शन लिया, उसको भी मैं ऊपर ले जाऊंगी और 180 डिग्री एंगल पे हेयर को मैं कट कर दूंगी। फिर मैं और एक एंगल उसी तरह हॉर्स शू शेप पे हेयर को लूंगी और एक सेक्शन और फिर मैं उसी जो गाइडलाइन मैंने सेट किया था उसी पे मैं 180 डिग्री पे हेयर को कट कर दूंगी। इसी तरह से आप थोड़े थोड़े हेयर को ना हॉर्स शू शेप पे, जिसका शेप ना हॉर्स शू शेप पे आप लोग हेयर को लेते जाइए और ऊपर ले जाके 180 डिग्री एंगल को सेट करते हुए जो आप लोगों ने गाइडलाइन सेट किया था उस पर हेयर को कट कर दीजिए। और बहुत सारे लोग ना लॉन्ग हेयर कटिंग करते समय ये डरते हैं कि हेयर शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है। आप लोग ज़्यादा हेयर ना कट करते हुए भी हम अच्छा लुक दे सकते हैं। और ये देखिए, क्योंकि हेयर ना ज़्यादा हो गया था तो हाथों में नहीं आ रहा था, तो हमने थोड़ा सा सेक्शन जो स्मॉल सेक्शन जो गाइडलाइन है वहाँ से लेके बाकी सेक्शन को हमने क्लिप कर दिया। फिर हमने क्या किया, और एक सेक्शन को लेते हुए ऊपर ले जाते हुए 180 डिग्री एंगल्स पर हेयर को कट कर दिया। इसी तरह से हेयर को हम क्या करेंगे, 180 डिग्री एंगल पे हमने जो गाइडलाइन सेट किया था उस पर हम हेयर को कट करके जाएंगे। और ये देखिए, हमने ना फाइनल है सेक्शन का हेयर कटिंग किया है। फिर हम क्या करेंगे, पूरे हेयर को ना सारे हेयर को ऊपर 180 डिग्री पे ले जाएंगे। फिर हम इस तरह से फ्लावर की शेप देंगे, साइड से थोड़ा थोड़ा हेयर को ना ट्रिम कर देंगे, ज़्यादा नहीं कट करेंगे, थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इनकी हेयर लॉन्ग तो है लेकिन ना हेयर में ज़्यादा ग्रोथ बहुत कम है, उनकी हेयर ना बहुत ही ज़्यादा पतले और टूटे हुए भी है। तो ऐसे हेयर में थोड़ा सा अच्छा लेयर्स लेके आना, इक्वली लेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना कटिंग की मदद से थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है, लेकिन हमने फाइनली इस काम में मैं सक्सेसफुल हो गई थी। तो आप लोग देख ही रहिए एंड तक। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। साथ में आप लोग कमेंट्स कीजिए, आप लोगों की कमेंट्स के से ना हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि ना जल्द ही मेरी जो वीडियोज़ है उनकी नोटिफिकेशंस आप तक
तक पहुंच जाए। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ में जो ऑल नोटिफिकेशन है उसमें जाके क्लिक कीजिए और बहुत सारा कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आप लोगों को हेयर कट, और आप लोग की सजेशंस भी मुझे दीजिए। और ये देखिए, अभी मैंने उनकी फ्रंट की हेयर पे कटिंग की है। पहले मैंने जो क्राउन एरिया से थोड़ा सा हेयर उनकी गाइडलाइन के हिसाब से लाए आगे लाके उस पर मैंने आगे हेयर को लाके कटिंग किया है, और पीछे की हेयर को भी मैं आगे की हेयर के साथ मिक्स करते हुए आगे लाके एक बार हेयर कट कर दूंगी, तो क्या होगा सारी हेयर में ना इक्वलिटी आ जाएगी। और ये देखिए, उसी प्रोसेस से मैंने जो दूसरी तरफ की हेयर से थोड़ा सा गाइडलाइन लेके उस पर फिर मैंने आगे लाके हेयर को कट कर लिया है, और सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे पीछे की हेयर को आगे के हेयर के साथ मिलाते हुए आगे लाके हेयर को कट करते जाएंगे। और हमने क्या क्या है, पीछे ना इक्वली हेयर को दो पार्ट में, दो सेक्शन में, सेंट्रल में डिवाइड कर लिया हुआ है, और उस हेयर को हम आगे ला के ना आगे के हेयर के साथ मिक्स करते हुए हेयर को कटिंग करते जाएंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो समझने में तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि मेरा ना थोड़ा सा हिंदी में भी प्रॉब्लम है तो हो जाता है मुझसे गलतियाँ। और ये देखिए, हमने किस तरह आगे लाके हेयर को कट कर दिया है, और देख रहे हैं आप लोग पीछे कितनी अच्छी तरह उनके हेयर पर ना एक डीप यू टाइप पर एक लेयर्स बन गए हैं। और जब वो अपनी हेयर को बीच में ला के क्लिप करेंगे तो देखेंगे आप लोग कितना अच्छा एक फ्लावरी लुक लाते हैं। तो वो आगे की हेयर को ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा मैंने उनके आगे की हेयर पे थोड़ा लॉन्ग करके हेयर पे कट कर दिया है। और ये देखिए, उनकी हेयर की ना फाइनल लुक, फाइनल कटिंग का लुक ये देखिए। आप लोगों ने कटिंग से पहले देखा था उनकी हेयर, और अभी उनकी हेयर पर कितना अच्छा एक फ्लावरी लुक निकल के आया है, और बहुत सारे हेयर के लेयर्स भी बन गए हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो।